असल स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब उम्मीद है आप सब, सब खैरियत से होंगे और पेपर्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे सो so, स्टूडेंट्स आज मैं आपको आपके जो फिज़िक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके बारे में बताऊंगी कि आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कौन से हैं और इसके अलावा आपके जो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स जो हैं उनके बारे में साथ साथ बताती जाऊँगी कि आपके कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको हमने लाजमी करना है और उसके अलावा शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन किन चैप्टर्स में से आ सकते हैं और आपने तैयारी कैसे करनी है इनके बारे में बताऊँगी ताकि आपके कम वक्त में अच्छे से तैयारी हो जाए और आप किसी प्रैक्टिस भी कर सके और प्रैक्टिस के लिए भी आपको टाइम मिल जाए सो लेट्स सी जैसे कि पे आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रहा है पहले कि आपका सेक्शन वन आ गया और ये तमाम जो सेक्शन वन टू थ्री जो है यहाँ के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके पेपर की पेरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं जैसे कि आपके पेरिंग स्कीम में है कि क्वेश्चन नंबर जो टू है आपका उनमें आपके कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे और उन्हीं चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ये तमाम बनाए गए हैं इनमें से दे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं रीड आउट करूंगी बाकी आप साथ साथ देखते जाइए जैसे कि हमारे पास यहाँ नेक्स्ट हमारे जीरोक्टर नेक्स्ट वन हमारे पास इससे डिस्टिंग्विश बिटवीन द कंडक्टर एंड फोटो कंडक्टर नेक्स्ट वन इज द फॉर्मूला ऑफ गेस्टला नेक्स्ट हमारे पास इस वन एन सी ओवर एस सी इज इक्वल टू वन बी ओवर M. Next is convert one joule electron volt. Next one is differentiate between electric potential difference and electric potential at a point. What is the time conductor of capacitor and resistance circuit and prove that RC time constant. Next, my is the potential of consist, uh, constant throughout a given region of a space. Is it the electric field zero or non-zero in this region? Explain. Next, my question the electric lines of force never cross. Why? Next one is do the electro

Next is the the function of the grid in a cathode ray oscilloscope. Next is the define the current sensitivity of galvanometer Next one is what is the modification of uh, required? Convert to galvanometer into meter. Next is question: what is the digital multimeter and give two advantages of over AVO meter? Next one is the right is the if the charges particles move in a straight line through the some region of a space. Can you say that the magnetic field in the region?

Counter is not suitable for the fast counting. Next one is differentiate between control and uncontrolled chain reaction. Next one is what is mean by the observed does not does also write down the unit of observed does. Next one is why the heavy nucleus unstable. Next one is uh, what fraction of radioactivity sample decay after two halves life of the half is elapsed. Next, what information is revealed by the length and the shape of the tract of an incidence particle in Wilson could chapel. Next question is what factors make the fusion reaction difficult to achieve. Next map what do you understand the background of radiation a state of two sources? Next one is what is the radioactive waste? Uh, define one application in each case for medicine and agriculture. सो so स्टूडेंट्स ये आपके सेक्शन वन था जिसमें आपके सेक्शन वन के अकॉर्डिंग जो पेरेंट्स स्कीम थी आपके उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन गिवेंगे नेक्स्ट हमारे पर सेक्शन टू आ गया और ये भी पेरेंट्स स्कीम के अकॉर्डिंग उन्हीं चैप्टर में से क्वेश्चन बनाए गए हैं उसके अलावा जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स वो आपको बता दूं कि वन थ्री एट और इलेवन ये जो चार चैप्टर्स हैं ये आपने लाजमी करने हैं वन थ्री एट और एलेवन ये लाजमी आपने चार चैप्टर्स कंप्लीट के कंप्लीट करने हैं मतलब शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन और एम सी क्यूज के अकॉर्डिंग ये चार चैप्टर्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और अगर ये चार चैप्टर्स आप बहुत अच्छे से कर लें तो आपका मतलब मोस्टली जो आपका फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट पेपर है वो इनमें से कवर हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास आता है इसी तरह आपका मतलब आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बाकी बच के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपको चैप्टर नंबर टू फोर सेवन नाइन टेन एंड थर्टीन सो ये जो आपको सिक्स चैप्टर्स गिवन है ये सिक्स चैप्टर्स अगर आप इन्हीं सिक्स चैप्टर्स के सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से याद कर लें तो आपका पेपर हंड्रेड परसेंट कम्प्लीट हो जाएगा मतलब हंड्रेड परसेंट आपका कम्प्लीट हो जाएगा अगर आप इन चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और ये चार चैप्टर आप कम्प्लीट लॉन्ग और शॉर्ट मतलब दोनों चीज़ें आप अच्छे से कर लें तो आपका पूरा हंड्रेड परसेंट की तैयारी हो जाएगी और उसके अलावा ये जो तमाम आपको क्वेश्चन गिवन है ये आपके इन्हीं चैप्टर्स में से बनाए गए हैं जो कि वहाँ के मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये आपके मास पेपर्स के अलावा पास पेपर से भी लिए गए हैं और जैसे आपका नॉलेज बेस एनालिटिकल बेस आपका आएगा पेपर उनको भी देखते हुए ये आपके क्वेश्चन बनाए गए हैं सो लेट्स सी नेक्स्ट हम सेक्शन टू देखते हैं इसमें आपका पहले पहले आ गया डिफाइन कन्वेंशन करंट एंड इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉनिक करंट नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया वायर लेंथ इज टेन मीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ इफ अ वायर इज टू इंक्रीज इट्स लेंथ थ्री टाइम्स विल बी द न्यू नेक्स्ट है हमारे पास आ गया डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेजिटेंस एंड रेजिस्टिविटी नेक्स्ट वन इज वट इज द थर्मल एंड हाउ दे आर मेड नेक्स्ट इस तरह आ गया स्टेट द द्रिको फ्लो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया द डिजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर राइज विद टेम्परेचर नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन वाइट वाई पोटेंशियल डिफरेंसेस ऑफ अ बैटरी डिक्रीज व्हेन द करंट डॉन फ्रॉम इट्स इंक्रीज नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया वट डू यू मीन बाय द फेस लॉग एंड फेस लीड नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया डिफाइन द इम्पेस्टर एंड इम्प्रेसन फॉर आर सी आर एल सीरीज सर्किट नेक्स्ट हमारे पास इससे जहाँ गया राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ आर एल सीरीज सर्किट नेक्स्ट हमारे पास से जहाँ गया डिफाइन द मोड्यूल एंड राइट नेम्स ऑफ टाइज नेक्स्ट हमारे पास इससे आ गया डज द डबलिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी अफेक्ट एक्ट द रिजिस्टेंस एंड इंडक्टर ऑफ अ कपैसिटर नेक्स्ट हमारे पासप्लेन दंड कंडीशन अंडर विच इलेक्ट्रोमेगनिक वेक्स प्रोड्यूस फ्रॉम अ सोर्स नेक्स्ट हमारे पास सीखते आपका क्वेश्चन आ गया डिफाइन द सेल यूनिट सेल एंड क्रिस्टल नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेन द ब्रीफली इंसुलेटर ऑफ अ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एंड बैंड थ्योरी नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन द इंसुलेटर एंड कंडक्टर नेक्स्ट वन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन सो मैग्नेटिक मटीरियल एंड हार मैग्नेटिक मटीरियल नेक्स्ट हमारे पास आपका क्वेश्चन आ गया डिस्टिंगश बिटवीन क्रिस्टल एंड एमोसफियर एंड पोलीमेरिक सोलिड नेक्स्ट हमारे पास वट इज मीन बाय द स्ट्रेन एनर्जी हाउ कैन बी डिटर्माइंड फ्रॉम द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ नेक्स्ट इसी तरह आपका डाय फोर मैग्नेटिक सब्सटेंस नेक्स्ट समय पर क्वेश्चन आ गया व पोटेंशियल बेरियर ऑफ ग्रामियम एंड सिलीकोन नेक्स्ट इसी तरह आपका क्वेश्चन आ गया What is the photodiode and write out the two application? Next my is What is the mathematical expression of N gate? Next map. Give to application of gates and in control. In a control, next map, what is the net charge of N type and P type substance? Next one is what is the effect of forward and reverse basing on diode on width of the depletion region. Next my is question why the base unit of our transistor very well. एंड नेक्स्ट हमारे पास इज़ द द प्रिंसिपल ऑफ ग्राउंड एंड अप्लाइड फाइंड ऑफ द ग्रेन ऑफ इनवर्टिंग एम्पलीफायर नेक्स्ट सेक्शन थ्री आ गया सो स्टूडेंट्स ये जो तमाम क्वेश्चन आपके रीड आउट करते जा रहे हैं इनको हमने तैयार कैसे करना है मतलब बर्डनाइज नहीं होना मोस्टली स्टूडेंट्स इस पर बर्डनाइज हो जाते हैं कि हम चैप्टर याद करें या क्वेश्चन आंसर्स याद करें कहाँ से तैयारी करें और इसी में वो अपना मतलब मोस्टली टाइम जो है अपना वेस्ट कर देते हैं so, सो सबसे पहले क्या करना है जो आपको चार चैप्टर्स बताए गए हैं जो हमने कंप्लीट करने हैं शॉर्ट और लॉन्ग सारे क्वेश्चन करने हैं वन थ्री एट और इलेवन पहले हमने ये चार चैप्टर्स बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं उसके बाद जो है उनके तमाम चैप्टर्स के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो देखने की इन क्वेश्चन आंसर्स में आपके कौन कौन से वो आपके इन चैप्टर्स के वो कौन कौन से क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं उनको हमने अच्छे से क्वेश्चन को दे लेना है ताकि आपको पता हो कि वो क्वेश्चन आपका पेपर में किस तरह से आ सकता है और उसका आपने क्या आंसर कैसे सो नेक्स्ट फिर हमने बाकी जो है चैप्टर जैसे टू सेवन फोर सेवन नाइन टेन थर्टीन ये सिक्स चैप्टर्स के सिर्फ आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स तैयार करने हैं उसके बाद और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वहाँ से आप तैयारी करके बुक से बेशक पहले तैयारी कर लें उसके बाद जो है वो आप यहाँ से बुक से मतलब आंसर्स वगैरह सारे आप आपको जाहिर सी बात तैयारी करेंगे तो आपको आंसर्स उसके ऑटोमेटिकली आते होंगे सो इन्हीं क्वेश्चन से आप उनके आंसर्स देखिएगा कि आपको वो क्वेश्चन उन्हीं चैप्टर्स के जो क्वेश्चन हैं वो आपको कम्प्लीट आते हैं कि नहीं आते हैं? या कौन सा क्वेश्चन आपका उन चैप्टर में से रह गया है वो इन तमाम क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा और इस तरह से

does it agree with the law of conservation of energy next one is define the self induction and self inductance next one is how a uh, fluctuation of output can be reduced in dc generator next one is define the setup and step down transformer and next one is how the uh, pro, how the power losses can be minimized in a transformer next one is does it the, uh, does it induce emf waves to uh, uh, at the increase of in magnetic flux through the circuit. Next, in a certain region the earth magnetic field point vertically down when the plane flies due to the north which wing type is positive charge. Next, can a DC motor can be turned into DC generator. Next one is for unmarked wires energy formed at transmission transformer when steps would be general, uh, determined ten ratio. Next one is in a transformer uh, there is no transfer of charge from the primary to secondary, how is then the power transferred?" Next one is distinguish between general theory of relative, uh, relativity and a special theory of relativity. Next one is explain NA VSTAR navigation system.

always agree will always agree upon next one basically तो आ गया what happened to the total radiation from the block body and absolute temperature is doubled next one basically तो aapka question आ gaya which is the lower energy quantum and radio waves on X-ray so students ये जो तमाम questions हैं बहुत से students कहते हैं कि आपको ये पूरी book में से ही दिए गए हैं ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं तो ये तो आपके तमाम क्वेश्चन हैं ये पेरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपके पूरी बुक में से पास पेपर्स को लेकर और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको लेकर बनाए गए हैं और अगर आप सिर्फ ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ही कर लें मतलब ये तमाम क्वेश्चन आपको अभी बताए गए हैं ये तमाम क्वेश्चन ही कर लें तो आपका जो पेपर है वो आपका तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का वो कंप्लीट हो जाएगा मतलब आपके तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप वो तमाम चैप्टर्स को नहीं भी याद करें उससे भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को याद कर लें तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा सो लेट्स सी नेक्स्ट हम हमारा जो क्वेश्चन है इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन हैव द सेम डी ब्रोगले वेवलेंथ विच पार्टिकल हैज जनरेटेड स्पीड ग्रेटेस्ट स्पीड

ग्रेटर दैन दैट थर्टीन पॉइंट सिक्स ई वी यह आपका यूनिट है ई वी जो कि आपको पता होगा सो नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह कैन एक्सरेक्टेडेड और सो so स्टूडेंट्स ये था, आपके तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे जो अभी मैंने रीड आउट किए जिनमें से कुछ रीड आउट किया बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप साथ साथ देखते जाइए और ये मैं फिर से बता रही हूँ ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनको आपने लाजम करना है ताकि आपके पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आएँ और यही मार्क्स जो है आपको आगे यूनिवर्सिटी में मीन्स के आपका जो मेरिट है वो बनाएंगे और आपको आगे यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा अच्छी यूनिवर्सिटी में इन पेपर्स बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए अपना बहुत सारा क्या करें और पेपर्स की अच्छे से तैयारी करें अल्लाह हाफिज़